सामान खरीदने के लिए भाई 7-11 जो है ना वो यहाँ की लाइफलाइन है। लो भाई बैंकॉक का जाम देख लो, ये वाले जो फोन है ना मतलब इसमें 5 दिन आइस रह जाएगी। ट्रैफिक देखो भाई, क्या बत्ती लाल ही लाल दिख रही है सबकी। तो भाई लोगों सबका स्वागत है फिर से एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ। और ये सामने क्या है, ये तो हम शीशे में दिखाई दे रहे हैं, वही धोखे वाले शीशे लिफ्ट के। तो चेकआउट करके निकल रहे हैं पटाया के होटल से, और ओवरऑल स्टे हमारा अच्छा रहा, मतलब होटल एकदम नीट एंड क्लीन है, एक जैसी ड्रेस पहन के। देखो मीनू भी इतरा रही है, एकदम सिलवाई है मीनू ने स्पेशली, फूल पत्ती वाली है। तो यहाँ से चेकआउट करके निकल रहे हैं, आ जाओ लोग। आज का हमारा स्टे मतलब 2 दिन का हमारा स्टे रहने वाला है बैंकॉक में। तो सेल्फ ड्राइव की गाड़ी नहीं रखी है, कोई टेंशन है नहीं, यहाँ से निकलेंगे आराम से। रोड शायद एक वो टोल वाली एक ही रोड है, बिना टोल वाली का आइडिया नहीं। तो टोल वाली में जो $300 लगेंगे वो लगेंगे ही। रस्ते में शायद कुछ देखने के लिए नहीं है, मतलब हमने नेट पे देखा था तो हमें तो कुछ मिला नहीं। तो डायरेक्ट बैंकॉक निकलते हैं, होटल में चेक इन करते हैं, उसके बाद आज बैंकॉक की मार्केट वगैरह या जो भी शेड्यूल बनता है वो देखते हैं भाई। तो पटाया के सेंटारा होटल में जो चेक इन टाइम है वो 3 बजे का है, चेकआउट 12 बजे का। बाकी हमें तो खैर जल्दी चेक इन मिल गया था। और ये होटल की लॉबी है भाई, और ये सामने पूल है, मतलब होटल का टूर आपको कराया नहीं था, ये सामने की तरफ पूल है, और ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। बाकी रूम्स तो मैं दिखा चुका हूँ, ये यहाँ का मेन्यू है। इंडियन फूड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, बाकी तो ठीक है, शायद इनके पास इंडियन कुक नहीं होगा। बाकी होटल बहुत बढ़िया भाई। नीचे पार्किंग तक भाई लेफ्ट आती है, और सामने अपनी गाड़ी खड़ी है। अच्छा इसके पीछे छुप गई है, ये जो है ना यहाँ पर ये बहुत बढ़िया है, मतलब ये जो कैरी बॉय सिटी बॉय कंपनी का ये जो लगा हुआ है ना, मतलब इससे कितना स्पेस आ जाता है ये देखो। और मतलब अपन लगाएंगे ना इंडिया में तो इसका चालान कट जाएगा, क्योंकि बोलेंगे हाइट राइज कर दी ये कर दिया, बट यहाँ पर काफ़ी गाड़ियों में लगा हुआ है। और ये रही अपनी निसान अल्मेरा। सामान खरीदने के लिए भाई 7-11 जो है ना वो यहाँ की लाइफलाइन है, मतलब हर गली हर चौराहे, मतलब हर 100 मीटर 200 मीटर पे एक आपको 7-11 का स्टोर दिख जाएगा। और सबसे बढ़िया बात क्या रहती है, 7-11 पे आपको बियर लीकर सब चीज़ मिल जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वाइन शॉप पे आपको अलग से जाना पड़ेगा ये सब चीज़ लेने के लिए। ये हम चढ़ गए भाई बैंकॉक के टोल रोड के ऊपर, मोटरवे। तो लगभग 300 वाट आने के लगे थे, 300 ही जाने के लग जाएंगे। नीचे चलते तो शायद बिना उसके मिल जाता, क्या बोलते हैं, बिना टोल वाला, पर कहाँ ढूंढते रहते हैं। 120 की स्पीड अलाउड है भाई, दो फॉर्चुनर जा रही हैं एक साथ। तो अपन तो चल रहे हैं बीच वाली लेन में भाई, जिसको और ज़्यादा स्पीड से जाना है वो राइट वाली से ओवरटेक कर लेगा। हालांकि ओवरटेक तो यहाँ से लेफ्ट वाली से भी कर लेते हैं, मतलब आप अगर प्रॉपर एक लेन में चल रहे हो तो कोई इशू नहीं है। ये देखो लेफ्ट वाले ने भी ओवरटेक कर लिया, तो 120 की स्पीड अलाउड है। तो पटाया से लगभग 45 किलोमीटर मतलब इस मोटरवे पे चढ़ने के बाद 45 किलोमीटर से स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। डीएम के तो दूर है क्योंकि बैंकॉक यहाँ से 119 है, तो डीएम के तो आगे है मतलब, लेकिन स्वर्ण भूमि 45 किलोमीटर ही है। स्पीड लिमिट तो 120 है यहाँ पे, बट ये साइड में जो 90 लिखा हुआ था इसका मतलब समझ नहीं आया कि बीच बीच में ये 90 होती है या ये 90 कुछ और है, पता नहीं भाई। लेकिन जहाँ पे स्पीड लिमिट्स प्रॉपर लिखी हुई आ रही है वहाँ 120 की लिखी हुई आ रही है। और यहाँ पे भी किलोमीटर ही चलता है, माइल्स नहीं चलता, किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर ही चलता है यहाँ पे भी। अपन लगभग 115-120 पे चल रहे हैं, और सेम स्पीड पे ब्लू वाला ट्रक चल रहा है, फुल पंजा दबा रखा भाई इसने भी। ये देखो अब ओवरटेक किया हमने, पहले यही हमारे को ओवरटेक करके निकला था। अरे ये तो एमरजेंसी लग रही है, एमरजेंसी ट्रांसफार्मर। अच्छा यहाँ पे क्या गाड़ियाँ काफ़ी पुरानी भी है, मतलब इसुजु ऐसे लग रही 25-30 साल पुरानी इसुजु भी दिखी। या तो वही फिटनेस पास करा के और तब आप चला सकते हो, परमिशन मिल जाती होगी। यहाँ पे जो बोर्ड में आता है ना भाई 49-28, ये जो 19-23-48, ये किलोमीटर नहीं बताता कि कितना किलोमीटर बचा है, ये बताता है कि आप इस जगह पर कितने मिनट्स में पहुँचोगे, मतलब कैलकुलेटेड टाइम दिखाता है कि आप कितने मिनट में यहाँ पर पहुँच जाओगे। मतलब ये ट्रक टाइप की गाड़ियों का कल्चर देखो भाई, जितनी दिख रही होंगी ना मैक्सिमम ये एक, इसके आगे टोयोटा हाइलक्स, उसके आगे मित्सुबिशी की, उसके साइड में ये अपनी सुजुकी डी-मैक्स, मतलब यार इन गाड़ियों का यहाँ पे बहुत क्रेज़ है। ये देखो साइकिल ले जा रहा है भाई, ये
ये साइकिल टांग के जा रहा है। तो इस टाइप की गाड़ियों का यहाँ क्रेज़, मतलब क्रेज़ क्या यूटिलाइजेशन भी है बेसिकली। ये आ गई मित्सुबिशी की ट्रीटॉन। ये भाई ड्राइव थ्रू जो है ना, जो हमसे छूट गया था, ये दोनों तरफ आता है। ये मतलब जो जाने के टाइम ये वाला था, अभी ये हमें रुकना ही नहीं था, मतलब कोई भूख थी नहीं। बाकी ये पूरा ड्राइव थ्रू है, काफ़ी लंबा, मतलब KFC, 7-Eleven, पेट्रोल पंप और काफ़ी सारी ब्रांड्स। मतलब अगर आपको मिडवे पे रुकना हो, बीच में एक बार रुकना हो रेस्ट के लिए, ये देखो मैकडोनल्ड्स वगैरह सब ब्रांड है, तो आप एक बार बीच में इस ड्राइव थ्रू पे भी रुक सकते हो। मतलब हमारे को भूख नहीं थी, हम भी नीचे से निकाल के दिखा सकते थे, बट वो एकदम से जब देखा तो फिर मतलब गाड़ी लेफ्ट लेने के लिए टाइम ख़त्म हो गया था। यहाँ के टोल पे भी जाम लगता है, ऐसा नहीं है, ये देखो दबा के जाम लगा हुआ पूरे टोल पे। राइट साइड में यहाँ का ICT है और कंटेनरों से देखो तय लगा रखे कंटेनरों की, कितने मंजिल चढ़ा दी, 5-6 मंजिल चढ़ा दी कंटेनर। अरे हजारों लाखों की तादाद में भाई, पीछे पीछे तक देख, जब हम आ रहे थे ना तब देखा हमने, इतने कंटेनर है भाई पूछो ही मत। ये देखो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट आने वाला है भाई, इसलिए देखो ऊपर जहाज दिख गया होगा आपको, कौन सी एयरलाइंस का पता नहीं भाई। ये लैंड करने की तैयारी कर रहा है पूरा, पहिए खोल दिए, आगे के पहिए दिखने लग गए, देखो बाहर निकाल दिया पहिए। अपने जयपुर से तो खैर फ्लाइट आती नहीं स्वर्ण भूमि, अपने जयपुर से आती है DMK सिर्फ। बोर्ड भी आ गया स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। लो भाई बैंकॉक का जाम देख लो, अपोजिट साइड में बहुत पीछे से लगा हुआ है और ये चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। ट्रैफिक है ना सामने वाला, वो भी मर्ज हो रहा है इधर, ये देखो। और नीचे तो ये जाम, पूरा जाम है भाई। ओ भाई साहब, ऐसे तो फ्लाइट छूट जाए अगर ये स्वर्ण भूमि का ट्रैफिक है तो। नहीं हो रहा भाई, कहाँ तक दिखाऊं। जैसे भाई हम जयपुर से जाते हैं ना दिल्ली गुड़गांव, तो जाम हमारा स्वागत करता है। ऐसे ही पटाया से जब हम आए तो बैंकॉक के जाम ने हमारा स्वागत कर दिया है, जबरदस्त जाम है भाई। वो भाई टू व्हीलर वाला कैसे निकाल के ले गया बीच में से, यहाँ ट्रैफिक मर्ज हो रहा है भाई। गाड़ी लगा दी पार्किंग में और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, मतलब यहाँ पे आने के लिए भी मार्केट के बीच में है ना, तो वन वे वगैरह का चक्कर और थोड़ा सा इसमें दबा दो मैनू मेन लॉबी जी। तो अभी करेंगे यहाँ पे चेक इन भाई रमाडा में, मार्केट के बीच में ही है तो वैसे कोई दिक्कत ही नहीं खाने वाने के, आराम से नीचे जाओ खाओ पियो। अभी एक बार देखते हैं शॉपिंग के लिए, मतलब जो जो सामान खरीदना उसमें से कुछ अगर मिलता है तो चेक इन करके एक बार निकलेंगे वहाँ के लिए। यहाँ पे भाई ये ना कंट्रोलर दे रखा है, इससे लाइटें चलेगी, AC चलेगा, सब कुछ इसी से होगा, चैनल पैनल पता नहीं क्या क्या दे रखा है। मैंने चालू करो, ये तो बेड की लाइट जला दी, बाकी कमरे में लाइट ही नहीं, जलाओगे क्या, नहीं है मैंने, वो उधर की बंद हुई है। अच्छा वो तुम बंद कर रहे थे, मैं सोचूं अपने आप कैसे बंद हो रही है, बस चल गई मीनू, फिर बंद कर दी। तो भाई आपको ना एक रूम का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस से घुसते ही ये टॉयलेट बाथरूम है, बाथ टब लगा हुआ है, अपने किसी काम का नहीं है। ये पत्थर देखो यार, बड़ा बढ़िया शानदार पत्थर है। ये नहाने का एरिया छोटा सा, ये यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे पता नहीं क्या करेंगे। और ये अलमीरा है, ओके दरवाजा खोलते लाइट जल जाती है। और रूम अच्छा खासा स्पेशियस रूम है, मतलब एक डबल बेड है, एक बच्चे के लिए सिंगल बेड है। रूम का साइज अच्छा है, 2 पानी की बोतल दी है इन्होंने, बाकी इधर कुछ नहीं है, पीछे दीवार है बस, ये खिड़की है, खिड़की के पीछे दीवार है, बैक साइड का रूम दिया इन्होंने। आ गए हम लोग भाई इंदिरा मार्केट, बेसिकली ये जैसे अपना पालिका बाजार था दिल्ली में पहले अंडरग्राउंड कनॉट प्लेस में, लगभग वैसी सी मार्केट है।
और ये बच्चों के ड्रोन मिल रहे हैं भाई, अपने को लेना है DJI बच्चों के ड्रोन मिल रहे हैं, बाकी खाने पीने का, टी शर्ट और कपड़े लत्ते सब, बहुत सारा सामान है भाई, सस्ता सुंदर टिकाऊ। भाई ये वाले जो फ़ोन है ना चालू नहीं है, अच्छा चालू नहीं है, लेकिन भाई ये फ़ोन पिक्चरों में देखा अपन ने, हॉटलाइन पे मिलाते थे जो ऐसे फ़ोन उठा गए तो क्या टूटा पड़ा। अच्छा यार ये भाई कोकोनट के शेल लगे हुए हैं दोनों तरफ, बीच में लेदर लगा के क्या पर्स बनाया होगा है भाभी, पर्स और ये सब क्या पर्स ही हैं, सब कोकोनट के शेल से बना रखे हैं, और ये भी कुछ है कोकोनट का, ये क्या है, अच्छा बल्ब है, लैंप, अरे वाह, कितने का बताया था भाभी, This is for 480 baht. भाई महंगा बहुत है, इतने में तो नारियल तोड़ के खुद ही बना लेंगे, पर बनेगा नहीं अपने से, मतलब देखो अगर हैंडमेड है तो वाकई में मेहनत तो लगी है इसमें, सारी चीज़ें कोकोनट की बनी हुई हैं। भाई हम तो क्या फैक्ट्री फुक्ट्री लगा के बेकार ही बैठे हुए हैं, इनके पास 1000 का 500 का पता नहीं कितने कितने लंबे चौड़े ऑर्डर पेंडिंग है, और 60 baht का एक की चेन बना के दे रहे हैं, ठीक है चीज़, मतलब हाथ की कलाकारी, हाँ कलाकारी है, कलाकारी तो है लेकिन ठीक है, 60 baht है भाई, अपने देश में जो चीज़ नहीं मिलती उसके लिए तो कई प्राइस देखेंगे, अच्छा इसमें वो भी लगाएंगे, छल्ला भी लगा के देंगे ना, किचन पूरा बना के देंगे भाई। ये है भाई फ्लोटिंग मार्केट, प्लेटिनम फ्लोटिंग नाइट, अच्छा रात को लगती है और संडे को बंद रहती है, बट ये मार्केट, अच्छा मार्केट साइड में लगती है, और इसमें जहाज में मतलब ये जो नाव है इसमें अपने को घूमना है, अच्छा ये सिर्फ इसमें बैठा के घुमाते रहेंगे, ये नाइट की मार्केट है, हाँ, रोज ऑन संडे, नाइट मार्केट मतलब अंधेरा होते शुरू हो जाएगी, हाँ। समझ गए, वो वाला चलो रात को आएंगे भाई, आज या कल जब भी आएंगे भाई। नारियल पानी अपन ने इंडिया में जो पिए है वो, और ये तो भाई साहब के कहने से हमने ट्राई किया है कि भाई पी के देखते हैं, और कह रहे हैं बिल्कुल चीनी जैसा है, हाँ भाई स्वाद तो है अलग है, बिल्कुल एंड में हल्का सा एक फ्लेवर आ रहा है किसी चीज़ में, किस चीज़ का मैंने डिस्क्राइब करना, मतलब मजा आया नहीं आया, मजा आया ना ठीक है, वरना पैसे वापस। अब हम आ गए भाई मॉल्स वाले एरिया में, ये सामने पूरा सेंट्रल वर्ल्ड, मतलब ये देखो कनेक्टिंग यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये बिग सी जिसमें हम जा रहे हैं, पीछे प्लेटिना, मतलब ये पूरा जो है ना मॉल का ही एरिया है, दुनिया भर के मॉल हैं भाई, एक मॉल में घुसे हैं, और यहाँ अलग अलग होते तो सब हो जाएंगे भाई, अच्छा खासा लंबा चौड़ा मॉल है, पता नहीं मीनू कहाँ गई है, अभी देखते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं बैठा था मीनू शॉपिंग के लिए, मतलब सामान देखने के लिए थोड़ा ही आगे निकली होगी, बट अब ढूंढना एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो मीनू मिल गई भाई, मोशी मोशी करती है, मोशी में मिल गई, मोशी भाई कूलर बॉक्स तो मिल गया, मतलब जैसा अपने को चाहिए वैसा मिल तो गया है, तो ये कितना 3594 baht 35 लीटर का कूलर बॉक्स है, मतलब इसमें 5 दिन आइस रह जाएगी, लेकिन एक चीज़ है अगर इसमें आइस डाल देंगे तो सामान बहुत कम आएगा, मतलब इंसुलेशन बहुत मोटी है, 2 इंच के आसपास इसकी इंसुलेशन है, और लेके नहीं जा पाएंगे, प्रॉब्लम ये है, मतलब इतना बड़ा डालेंगे किसमें ना। बर्तन देख के मीनू तो हो गई है पागल है ना, छोटी छोटी चीज़ें देख के मीनू कह रही, अरे यार ये भी ले लें वो भी ले लें, सब कैंपिंग में काम आ जाएगा, और कैंपिंग तो मीनू कितनी बढ़िया और कितनी राजी राजी करती है, तो खाना तो मेरे को नपते, अच्छा भाई भीड़ देख रहे हो, भीड़ गजब की भीड़ है भाई, क्या 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 ले रहे हैं लोग, और इतनी दोनों ये लोग बेचने के लिए ले जा रहे हैं अपने देश में, ये देखो ये सब कार्टून पैक हो रहे हैं, एक बार बताओ तुम्हें, उन्होंने बताया तो था एयरपोर्ट के ऊपर, इतना कोई अपने घर के लिए थोड़ी लेगा, यहाँ से अंदर जा सकते हैं, पता नहीं। ये सामने भाई सुना रहे हैं सारे चेन चून डायमंड, भाई साहब मैं डायमंड आर्टिस्ट भी था, डायमंड लेना, ऐसे तो तुम्हारे को हीरे जैसा पति भगवान ने दे ही दिया, और हीरे लेके क्या करोगे भाई, यहाँ पे जो फुट मसाज वगैरह जो चलते हैं ना वो बेसिकली अब समझ में आया क्यों चलते, क्योंकि यहाँ वॉकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा वॉकिंग हो जाती है कि पाँव की बैंड बच जाती है, इसीलिए फुट मसाज कराना ज़रूरी है। यहाँ पे भाई क्या है कि आप एक मॉल से दूसरे मॉल अगर आपको जाना होना तो बहुत ही सिंपल कनेक्टिविटी है, अभी हम बिग सी से निकले और ये देखो इस पर चलना है, किसी पर भी चल लो, ये सब पैदल 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 अपन दूसरी तरफ उतर जाएंगे, ये उधर उतर जाएंगे और उधर से जाएंगे तो उधर उतर जाएंगे। ट्रैफिक देखो भाई, क्या बत्ती लाल ही लाल दिख रही है सबकी, पीछे की ब्रेक लाइट जो है ना, क्या जबरदस्त ट्रैफिक हो रखा है,
पर यार इस रोड पे मैंने मेट्रो भी चलती थी पहले, तो यार ऐसा ध्यान नहीं होगा। पटाया में भाई ट्रैफिक जितना मैनेज था उतना ही यहाँ पे ट्रैफिक मिस मैनेज है। ये देखो एक बाइक वाला उल्टा आ रहा है, उधर से एक वो बाइक वाला उल्टा आ रहा है, और यहाँ से भी लोग निकल रहे हैं भाई, और ये टुक टुक वाला पुल भी, यहाँ का ट्रैफिक टोटली मिस मैनेज है भाई। घूम घूम के बच गई है बैंड, बिल्कुल पाँव ऐसे हो गए हैं कि अब एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मॉल तो ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है अभी जा रहे हैं शायद होटल, मतलब थोड़ा बहुत जो भी देख के होटल की तरफ निकलेंगे, फिर आगे की कार्यवाही वहाँ पे करेंगे भाई। भाई कैंपिंग की लाइट्स तो मिल गई है बेयर बोन्स की, लेकिन जो प्राइसिंग है ना वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मतलब ज़्यादा इन द सेंस इंडिया में तो है ही नहीं, तो हम कंपेयर क्या करेंगे। मतलब ये देखो छोटी सी लाइट 1800 वाट की है, ओ भाई साहब एक से एक चीज़ है, मतलब ये देखो क्या चीज़ है, लेकिन प्राइसिंग थोड़े मतलब अपने को ज़्यादा लग रहे हैं, देखते हैं कुछ समझ में आता है। तो डब्बा भी है ये वाला कूलिंग वाला, ये तो कर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, छोटे साइज का फिल्ट्रॉज, ये एक डब्बा है, चलो देखते हैं यहाँ से कुछ समझ में आएगा तो लेंगे। भाई बहुत महंगा सामान है, मतलब अपन नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ज़बरदस्ती, मतलब इतना महंगा क्यों लेना ना। ये वाली लाइट 2500 वाट की एक है ये वाली, और ये वाली है 1800 वाट की, 1800 वाट का मतलब 4500 रुपये INR में। भाई येती का भी मिल गया है बॉक्स हमारे को, है ना, जो अतीक के वीडियोस में हमने देखे हैं 2-4 बार येती, 15500 वाट का भाई, ये सबसे छोटे वाला है। और अगर 45 लीटर की बात करें ना 45 लीटर कूलर की, तो ये 19505 वाट का है। और सामान तो मिल रहा है भाई अपने को, लेकिन भाई पैसे इतने ज़्यादा है ना। आउटडोर कूलर ये स्टैनले का है ना, मीनू स्टैनले भी तो रखता है, स्टैनले का तो इसी के प्राइस अभी देखोगे तो ये रहे स्टैनले के प्राइस, ये रहे भाई, ये सबसे छोटा ही 2450 वाट का है। भाई कैमरे में जितना भी क्लियर आ रहा हो, ये देखो लोग मतलब गणपति जी की वो लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है, और लोग नीचे झुक के बैठ के पूजा कर रहे हैं। मतलब यार यहाँ का जो ट्रेडिशन है ना वाकई में बहुत मज़ेदार है, मतलब लोग भगवान की या बाकी सब चीज़ों की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, और तरीके से मतलब ऐसा, हाँ कोई भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है भाई। ये 60 वाट की इसलिए मिल रही है क्योंकि इसको ये ऐसे से घुमा घुमा के दे रहा है, मतलब चक्कर आने से पहले निकाल के दे देगा भाई। ये 60 की क्यों है भाई, 60 वाट हाँ बिकॉज ये गोल गोल घूम रही है भाई। देखो इसमें आधी चीज़ें अपनी समझ की हैं, ये शायद ऑक्टोपस है क्योंकि टांगे वांगे से लग रही हैं, और मछली समोसे के अंदर भी कोई ना कोई वो होगा जानवर, ये वेज आ गए, लॉबस्टर कहाँ है, अच्छा है भाई वेज में तो कुछ नहीं है, ये सब नॉन वेज का ही मामला है, अच्छा ये प्रॉन्स, इनकी आंखें बाहर निकल गई बेचारों की। गो ब्रो गो, ये भाई टुक टुक ले लिया, नाइट बाजार लगा हुआ है, हाँ अभी आएंगे ये तो मिलेगा माल असली नहीं मिलेगा। तो भाई 80 वाट में हमने ले लिया है टुक टुक अपने होटल के लिए, हमने सेव कर लिए 40 वाट, 120 से वहाँ गए 80 में, 40 का तो चल लिए होंगे मिलो, है ना, हिम्मत है वापस आने की, देखते हैं भाई समय बताएगा। तो भाई रूम पर आ गए हैं, मतलब फिलहाल मैं आ गया हूँ, मीनू तो नीचे कुछ पैक वैक करा के ला रही है, और जवाब दे दिया हिम्मत ने, बिल्कुल हालत टाइट हो गई पैदल चल चल के पाँव में दर्द करके, हालांकि अब नाइट बाज़ार घूमने भी जाएंगे शायद। तो इस वाले व्लॉग को तो यहीं पे करते हैं एंड, आई होप आप लोगों को इस व्लॉग में मज़ा आया होगा, अगर व्लॉग में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।